अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक अंसाशमी, प्रोग्राम आपकी राय में, और आप देख रहे हैं 97 न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त जो सरकमस्टांसिस मुल्क के चल रहे हैं, इस सिलसिले के अंदर बहुत सारी शख्सियात अपने अपने कमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन इस हवाले से आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पाकिस्तान की बड़ी अच्छी सेलिब्रिटी हैं वो हमारे साथ, गुलाम दस्तगीर अवान, PPP रहनुमा, आज़ाद कश्मीर गुजरांवाला। और आज इस सिलसिले के अंदर हम उनसे बातचीत करेंगे और आपका तारुफ भी उनसे करवाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं तो 97 न्यूज़ का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया। जी दस्तगीर अवान साहब, सबसे पहले मेरा एक सवाल ये है आपसे कि इमरान खान ने दुराने इलेक्शन अवाम से जो नौकरियाँ प्लाट देने के वादे किए थे वो अभी तक पूरे हुए हैं कि नहीं? इमरान खान ने अवाम को नौकरियां प्लाट देने का जो वादा किया था वो आज तक पूरा नहीं हुआ। जी सर, क्या हुकूमत ने खुर्दो नोश एशिया है इसके ऊपर कोई तवज्जो दी है कि नहीं? इमरान खान आए रोज चीनी, आटा, दाने, घी, तेल, बिजली, गैस और पेट्रोल महंगा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कैम कर दिया है। इनकी वजह से अवाम परेशान हो चुकी है। इन चीज़ों की कीमतों में कमी होनी चाहिए। जी दस्तगीर साहब, एक सवाल मेरे जहन में और अटका हुआ है और मैं स्पेशली आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे मुल्क की मईशियत बेहतर हुई है कि नहीं? मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है, इस मुल्क की मईशियत भी तबाह हो चुकी है। इसकी वजह से गरीब अवाम खुदकशियां करने पर मजबूर हो गई। दस्तगीर साहब, जो आजकल हालात चल रहे हैं जी, आपका क्या ख्याल है? आप क्या समझते हैं कि हुकूमत 5 साल पूरे कर सकती है या नहीं? हुकूमत तो थोड़े दिनों की मेहमान है और इंशाल्लाह जल्दी अपने अंजाम तक ये पहुंच जाएगी। जी नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। अपने मेज़बान तारिक अंसाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।